गाइस टेस्ला ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है इंडिया में। एंड अगर हम लोग स्मार्टफोन कंपनीज की बात करें, जैसे कि ओप्पो, वन प्लस, शाओमी हो गया एंड रियलमी हो गया, पोको हो गया, ये सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, अगर ये एक शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक कार, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाते हैं, तो फ्यूचर में कैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। गाइज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनका जितना भी यहाँ पे ट्रेडमार्क है वो लिस्ट हो चुका है इंडिया से ऑफिशियली। एंड मे बी इन फ्यूचर आपको जो ये स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, इनसे आपको कुछ जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, वो देखने को मिलने वाली हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होने वाला है। ड्राइवरलेस कार होगी, मतलब कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, एंड आप एक्सपीरियंस कर पाओगे एकदम बढ़िया तरीके से। टेस्ला का जो मुकाबला है फ्यूचर में काफी ज्यादा होने वाला है। एंड एट दिस टाइम अगर हम लोग ध्यान से देखें इन्हीं कंपनीज की तरफ, तो अगर शाओमी की बात करते हैं, अगर जस्ट से शाओमी अपना कोई भी एक स्मार्ट कार लॉन्च करती है या फिर कोई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करती है, तो डेफिनेटली उसका जो स्मार्टफोन होगा शाओमी का, उससे कुछ चीज़ें आप कंट्रोल कर पाओगे, कुछ चीज़ें कंपैटिबल होंगी उसी स्मार्टफोन से। एंड डेफिनेटली जो शाओमी वाले यूजर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है उसी पर्टिकुलर कंपनी से। और अगर हम लोग वन प्लस की बात करते हैं या फिर हम लोग अगर पोको की बात करते हैं, रियलमी की बात करते हैं, कोई और या फिर ब्रांड होगा जो ऐसी चीज़ें निकालेगा, तो उनके जो स्मार्टफोन्स होंगे या फिर उनके जो और भी प्रोडक्ट्स होंगे उससे वो चीज़ें कंपैटिबल होगी एंड आप उससे भी उसको एक्सेस कर पाओगे। फ्यूचर में मतलब सोचने में कितना मतलब कूल सा लगता है ना कि हम लोग के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी। पेट्रोल के दाम वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में अगर इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आते हैं, तो ये जो है ये चीज़ें चेंज होने वाली है। अब जो ये पेट्रोल वाली कार्स हैं ये हट जाएंगी एंड आपको इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली अगर जो प्राइस पॉइंट है वो जो हमारे नॉर्मल कार्स है उसके बराबर में अगर किया जाता है, तो अभी भी चांसेस है 2028 तक या फिर 2025 तक आपको जो इलेक्ट्रिक वाली दुनिया है ना, कि आपको इलेक्ट्रिक कार्स हर जगह दिखेंगी एंड पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा 100%, वहाँ पे आपको सिर्फ जो कार चार्जिंग की चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है एंड इन सबको अगर हम सोचते हैं तो काफ़ी कमाल सा लगता है कि भाई हम लोग का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। एंड जो अपकमिंग जनरेशन है, वो हमारे बाद वाली जो जनरेशन है वो एकदम मॉडर्न होगी, मतलब एकदम टेक्नोलॉजी से अनलिमिटेड होगी, भरपूर होगी एंड सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली है। आपको क्या लगता है कि अगर स्मार्टफोन ब्रांड्स जो हैं ये अगर यही जो हमारी कार्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, इन पर शिफ्ट करती है तो कैसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड फिलहाल आज के रिश्ता मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग टेक्नोलॉजी चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।